थोड़ा और हो जाओ। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. जो आरोपी पुलिया का निर्माण 2006 से चालू हुआ था, उसके बाद में जब ये नीचे से रास्ता निकाला गया था, पुलिया के नीचे से चमड़ागढ़ और ये किशनगढ़ है, दो भागों में विभाजित है। एक तरफ है चमड़ागढ़ एरिया, दूसरी तरफ है मदनगंज एरिया। 50,000 पब्लिक चमड़ागढ़ में रहती है। यदि नीचे का रास्ता खुलवाने के लिए उस वक्त ये था कि नीचे रास्ता खुलेगा और दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई जाएगी जिससे पैदल चलने वाले आदमी उन सीढ़ियों के माध्यम से और नीचे के रास्ते से निकल सके। आज 15 साल इस पुलिया का निर्माण हो गया, उसके बाद भी नीचे का रास्ता जो वैकल्पिक मार्ग था, आज पूरे तरीके से बंद कर दिया, ना सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। ये 50,000 की जो जनता है किशनगढ़ में, चमड़ागढ़ क्षेत्र में रहती है, उनके साथ में क्यों धोखा किया जा रहा है? हम 15 बार ज्ञापन दे चुके हैं। हमारी ये मांग है, जो नीचे का रास्ता है उसको यदि आप वैकल्पिक मार्ग बंद कर रहे हो तो सीढ़ियाँ तो बनाओ जो नक्शे में पास है। अब यदि नक्शे में पास सीढ़ियाँ आपने नहीं बनाई तो इसका भुगतान कैसे कर दिया आपने पुलिया का ठेकेदार को? ये पुलिया कैसे चालू है? आपने ठेकेदार को पैसा कर दिया, पेमेंट कर दिया और सीढ़ियाँ नहीं बनी, अधूरा काम है, नक्शे पास से काम नहीं हुआ। तो हमारी मांग है कि हम 10 बार ज्ञापन दे चुके हैं और आज परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे चाहे पुलिस हमको बंद कर दे, पूरे चमड़ागढ़ के लोग बंद हो जाएंगे, 50,000 लोगों को बंद कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 10 तरीके से अहिंसात्मक रूप से आंदोलन किया है और आज भी हम हमारी मांग रखने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। ये सही बात है कि जो रास्ता है आम लोग प्रभावित है, तो ये आम लोगों की समस्या है। 50,000 लोगों की समस्या से हम पूरे 50,000 लोगों की समस्या के लिए हम आज यहाँ पर खड़े हैं। हमारे घर का कोई काम नहीं है यदि सीढ़ियाँ चालू नहीं की जाती है। मेरे को एक बात बताओ, ये गांधीनगर स्कूल है, इसमें 1500 बच्चे पढ़ते हैं। उस फाटक के उस तरफ से कम 400 से 500 बच्चियाँ इधर आती है, वो पुलिया चढ़ के आएगी? बीमार आदमी है जिसके पास व्हीकल नहीं है, क्या वो पुलिया चढ़ के ऊपर से आएगा? मतलब नीचे से, और ये नीचे से रास्ता है, ये इधर से नीचे से जाने वाले लोग ये कहाँ से जाएंगे? सब पुलिया के ऊपर से चढ़े। ये पुलिया वैसे ही सक्रिय है, 5 एक्सीडेंट पहले हो चुके हैं, कम से कम 5 से 7 लोग यहाँ मर चुके हैं, टेम्पो तक नीचे गिर गया पुलिया से। हाँ जी, राकेश शर्मा, जिलाध्यक्ष युवक कांग्रेस।